तमिलनाडु में छात्रा द्वारा धर्म परिवर्तन के दबाव के चलते आत्महत्या करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रों इकाई ने सोमवार को मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार शर्म करो लावण्या के साथ न्याय करो के नारे भी लगाए। इस दौरान तमिलनाडु सरकार का पुतला भी फूंका गया और SDM व तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अक्षर शर्मा ने अभय न्यूज को बताया, तमिलनाडु के एक ईसाई स्कूल में 2 साल एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। छात्रा का नाम लावण्या था जिसने दबाव में आत्महत्या कर ली है। जब लावण्या के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो दोषी को 2 दिन में जेल में रखकर छोड़ दिया गया और तमिलनाडु सरकार स्कूल के समर्थन में आ गई। इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री निधि त्रिपाठी एवं ABVP तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया व लावण्या को न्याय दिलाने की आवाज उठाई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर 15 दिन के रिमांड पर भेजा गया। तमिलनाडु सरकार लावण्या को न्याय दे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग करते हुए खालसरोद में चक्का जाम कर पुतला फूंका गया। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला विद्यार्थी विस्तारक संदीप राजपूत, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जुबेर कुरेशी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।